नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है पीजी प्रोग्राम की, वो कंप्लीट हो चुकी है। और पीजी प्रोग्राम की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट राउंड के बाद जितनी भी सीट वैकेंट है उनका डेटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा ने रिलीज कर दिया है, जिसका वीडियो हमने इससे पहले अपलोड किया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप नोटिस के थ्रू देख सकते हैं कि आपके कोर्स में कितनी सर्टिफिकेट कोर्स में कितनी सीट वैकेंट रही है। अब देखिए, हम बात करने वाले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा में जो एमएससी फिजिक्स है उसकी जो सेकंड राउंड की कट ऑफ है वो क्या है और कितनी सीट वैकेंट रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा है उसमें टोटल एमएससी की सीट है 50। 50 में से अभी 9 सीट ही फिल हुई है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, और जो 41 सीट है वो अभी वैकेंट है, जिनमें से 18 सीट है वो जनरल कैटेगरी की है। तो आप देखिए उनकी कट ऑफ कितनी गई है। तो ये है जनरल में। अब जनरल में दो कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी के, यानी कि तो उनके नंबर हैं AK97 और AK54। तो ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। उसके बाद देखिए जनरल की जो लास्ट कट ऑफ है वो गई है सेकंड राउंड की 191 नंबर, यानी कि 191। तो ये है जनरल कैटेगरी की। अब ओबीसी की 12 सीट है, उनकी जो कट ऑफ है वो है 179, यानी कि इनकी कट ऑफ 179 गई है। और जो एससी और एसटी कैटेगरी की सीट है वो 4 सीट एससी की कैटेगरी की है और 4 सीट ही एसटी कैटेगरी की वेकेंट है अभी। तो जो 4 सीट है जो एससी की कट ऑफ है सेकेंड राउंड की वो गई है 118 नंबर। और वहीं बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में जो सेकेंड राउंड की कट ऑफ है वो है 97। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो है कट ऑफ वो है 176 नंबर, यानी कि 176। अब देखिए जिन कैंडिडेट का भी यहाँ पर सेकंड लिस्ट में नाम आया है उनको जो लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है वो है 7 अगस्त, यानी कि 7 अगस्त तक वो अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हैं यदि वो अपने जो सीट है उसको लॉक करना चाहते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो देखिए आपको, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये डाउट में है कि मान लीजिए हमारा एडमिशन तो हो गया, अब हमें जाना कब है, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो कब जाना है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या लिख रखा है, स्टूडेंट नीड नॉट टू कम फिजिकली टू द यूनिवर्सिटी एट दिस स्टेज, डेट्स ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाई बाई द डिपार्टमेंट सेपरेटली। यानी कि अभी आपको यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, जब आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकली तो आपको जो डिपार्टमेंट है वो हर डिपार्टमेंट इसका जो नोटिस है वो रिलीज कर देगा। तो अभी किसी स्टूडेंट को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में नहीं जाना है कोई, क्योंकि सभी स्टूडेंट के मन में ये क्यूरी रहती है कि मान लीजिए हमारा एडमिशन हो गया है, हमें फिजिकल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब करवाना है। तो इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि अभी आपको वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो है नहीं आना है। तो ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का कट ऑफ आई है उसके बारे में। तो अभी जो टोटल सीट है वो भी 41 वैकेंट बची हुई है, क्योंकि अभी सभी यूनिवर्सिटी का जो पीजी का रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो गया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की भी जैसे लिस्ट आ गई फर्स्ट, वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की भी लिस्ट आ गई है। तो सभी यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है, जैसे अभी राजस्थान की नहीं है, तो लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटी वो अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट करवा चुके हैं, और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो अभी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोसेस है और किसी में चलने वाली है। तो ये था। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हाईएस्ट नंबर है, तो वो क्या करेंगे, वो एक ही यूनिवर्सिटी अपनी चूज़ करेंगे, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो उन्होंने सब में कर रखा है लेकिन वो सीट एक में रखेंगे। तो अभी जो जैसे जैसे आगे काउंसलिंग चलेगी तब पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट प्रोग्राम की बची हुई है। और बात करें हम फिजिकल जो ओपन राउंड की काउंसलिंग की, तो वो पिछली बार भी सब यूनिवर्सिटी में तो नहीं देखा गया था, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगभग में फिजिकल ओपन काउंसलिंग हुई थी। तो एक तो होती है ओपन राउंड की काउंसलिंग, एक होती है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है, ओपन राउंड की काउंसलिंग में वो जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है तो वो भाग लेते हैं
यानी कि आपने यदि रजिस्ट्रेशन किया है तो भी जा सकते हैं, यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होती है ना, उसमें क्या होता है कि वो स्टूडेंट ही वहाँ पर जा सकते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग में, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और इन उनका किसी भी जो लिस्ट में है नाम नहीं आया, तो केवल वो ही जा सकते हैं स्पोर्ट राउंड में जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो क्यों होता है अंतर ओपन राउंड और जो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग है? तो होप करते हैं आपको यह समझ में आओगे कि इनमें अंतर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं कि ओपन राउंड क्या होता है, स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग क्या होती है। तो होप करते हैं आपको ये सभी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।